रामनवमी के दिन देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई। बदले में मध्य प्रदेश सरकार ने पहचान में लाए गए पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। फिर क्या था, पहले मुस्लिम नेताओं ने एक सुर में इसे टारगेट एक्शन बताया, तो अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के छात्र संगठन CFI ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि देश के मुस्लिम एकजुट होकर खुद इसका प्रतिरोध करें और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहें। सवाल है कि आखिर PFI किस तरीके के प्रतिरोध की बात कर रही है? क्या वो इस तनाव के माहौल में मुस्लिम समुदायों को भड़काने का काम नहीं कर रही? इन तमाम मुद्दों पर हम अगले एक घंटे तक तमाम बड़े दिग्गजों के साथ बहस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में शोभा यात्रा जुलूस पर पथराव हुआ तो 24 घंटे के भीतर ही पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए मानो अपना बदला पूरा कर लिया। खरगोन के पुलिस कप्तान साहब को भी रामनवमी के दिन गोली लगी थी, अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन बाहर पुलिस ने दर्जनों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। पुलिसिया कार्रवाई इतनी तेजी से हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने अब एक सुर में कहना शुरू कर दिया है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड एक्शन लिया जा रहा है, मतलब चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भी एंट्री हो चुकी है, जिसने इस सरकार के बुलडोजर वाले फैसले को मुस्लिमों के खिलाफ खुलकर अत्याचार करार दिया है। PFI के अध्यक्ष MS साजिद ने अपने छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से एक पर्चा जारी करके इस पूरे मामले में एक नया मोर्चा तैयार करने का ऐलान कर दिया है। रामनवमी के त्योहार के दिन देश भर में मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई। RSS अपने नरसंहार के एजेंडे को पूरे देश में लागू करना चाहती है। मस्जिद और मुस्लिम दुकानदारों पर हिंदू त्योहारों में हमला किया जा रहा है, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है। मुस्लिमों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो आत्मरक्षा के लिए तैयार रहें और खुद से इसका प्रतिरोध करें। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इन फांसीवादियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील करता है। मुस्लिम समुदाय अलर्ट रहें और खुद को आत्मरक्षा के लिए तैयार रखें। PFI एक ऐसा संगठन है जो पहले भी कई बार अपने विवादित और भड़काऊ बयानों से सनसनी फैलाता रहा है। पहले भी PFI धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर अपना रुख एक संप्रदाय विशेष के लिए परोसता रहा है, लेकिन अब की बार तो इस पर्चे से पहले ही बेहद संवेदनशील मामले में आग में घी झोंकने का काम कर रहा है। सुनिए क्या कहना है BJP के फायर ब्रांड युवा नेता तेजस्वी सूर्या का, जिन्हें दौसा से करौली में प्रदर्शन करने जाने से रोक दिया गया था। गहलोत सरकार PFI जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को कोटा में, जैसलमेर में, बीकानेर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देती है, पर युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप में प्रोसेशन करने के लिए परमिशन नहीं देता। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स के तुष्टीकरण राजनीति, इसके विरुद्ध युवा मोर्चा का लड़ाई। कोई भी मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता, लेकिन उसे मानने वाले अपने अपने फायदे के हिसाब से उसकी सीख को तोड़ मरोड़ कर समाज में एक दूसरे के खिलाफ जहर घोलते हैं। फिलहाल रामनवमी पर फसाद के बाद सियासी झड़प शबाब पर है। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान के कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाहेली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। सवाल है, जब देश में धर्म के नाम पर खून खराबा हो रहा है तो PFI के इस भड़काऊ पर्चे की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या PFI का ये कदम मामले को और नहीं बिगाड़ देगा? क्या सियासत के शीर्ष पर बैठे लोगों को भी अपने बयानों में और संयम बरतने की जरूरत नहीं है? दौसा से देवंकुर वधावन और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।